हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आप सबका बहुत सारा कमेंट मिल रहा है कि यूट्यूब चैनल मेरा मोनेटाइजेशन हो चुका है। उसी मोनेटाइजेशन के लिए आप सबका बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि सर आपका कितना डॉलर हो चुका है, और कुछ दोस्तों ने पूछ रहे हैं कि आपका कितना मतलब यूट्यूब चैनल जो पार्टनर प्रोग्राम में हम अप्लाई करते हैं तो कितने आवर में कंप्लीट होता है। कुछ इसमें जो यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन कंप्लीट हुआ है उसके बारे में कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो आपका कमेंट है बहुत सारा, तो उसी कमेंट को मैं एक एक को पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई मैं दूंगा। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहो, और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के रिलेटेड और किस तरह से आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हो और इसका क्या क्राइटेरिया है। कुछ जो यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के बारे में कुछ जानकारी है इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ। इसमें आपको कुछ नॉलेज मिलने वाला है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। और आप सबका कमेंट, जो भी जितना आप कमेंट दे रहे हो उसी कमेंट का मैं रिप्लाई यहाँ पे करूँगा, और एक एक कमेंट आपको दिखाऊंगा। जो भी भाई, जो भी दोस्त है जो कमेंट कर रहे हैं, उसका कमेंट का रिप्लाई सब मिल जाएगा इसी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए बहुत सारा कमेंट हम देख रहे हैं का, जो एक एक दोस्तों का जो कमेंट है मैं पढ़ूंगा, और उसका जो रिप्लाई है मैं भी आपको बताऊंगा किस तरह से क्या करना चाहिए क्या कुछ, ठीक है। तो इसीलिए इस वीडियो को आप, चलिए दोस्तों ज़्यादा देरी के बिना हम वीडियो को देखते हैं और एक एक कमेंट को हम पढ़ते हैं किस तरह से जो दोस्त का जो डाउट है उनके अंदर जो डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछते हैं, तो उसी कमेंट को मैं रिप्लाई करूंगा और उसी कमेंट के बारे में सारे जानकारी आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर के बाद वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं अपने स्मार्टफोन पे आ चुका हूँ, तो यहाँ पे सिंपली मैं वाई टी स्टूडियो ओपन करके भी मैं दिखा सकता हूँ उसका। वाई टी स्टूडियो में जितना सारा आप कमेंट करते हो मुझे वाई टी स्टूडियो में दिखाई देता है, उसका स्क्रीनशॉट मैं लगा के रखा हूँ यहाँ पे, आपको गैलरी पे लेके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं गैलरी को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो मैंने वाई टी स्टूडियो का, देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया था वाई टी स्टूडियो का। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, ये कमेंट है, कमेंट में आप लोग पूछ रहे हो, देखिए भैया थर्ड ऑप्शन कितने दिन में कंप्लीट हो गया प्लीज़ बताओ। तो यहाँ पे दोस्त मैं कहना चाहता हूँ, मेरा जो थर्ड ऑप्शन कितने दिन में कंप्लीट हुआ था, तो मैंने जैसे यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था तो फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट हो गया, सेकेंड ऑप्शन मुझे 10 आवर लग गया, थर्ड ऑप्शन मुझे 6 आवर के बाद ये कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो मेरा 6 आवर के बाद ये कंप्लीट, मतलब मेरा जो यूट्यूब चैनल है 16 घंटे के अंदर मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो गया था प्रोसेस, ठीक है। चैनल थर्ड ऑप्शन में अंडर रिव्यू में जाता है यूट्यूब चैनल, थर्ड ऑप्शन में अंडर रिव्यू में जाता है यूट्यूब चैनल, वो थर्ड ऑप्शन मुझे 6 आवर में कंप्लीट हो गया था, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कमेंट है, सर क्या आपके चैनल पे, चैनल में 30 दिन $100 बताइए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो यहाँ पे दोस्त मैं कहना चाहता हूँ, मेरे जो चैनल है मेरा 30 दिन में $100 नहीं होता है, क्योंकि मैं रोज़ कंटेंट अपलोड नहीं करता हूँ। अगर रोज़ मैं कंटेंट अपलोड करूँगा तो यूट्यूब का जो वीडियो है, मैं रोज़ यूट्यूब पे एक या दो वीडियो सुबह शाम करके डालूँगा, तो मेरा 30 दिन में $100 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो मैं थोड़ा प्राइवेट काम के लिए मैं यूट्यूब पे रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए मैं यूट्यूब पे रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। और 30 दिन में $100, यहाँ पे देखिए 30 दिन में आपका $100 से भी ज़्यादा भी हो सकता है, अगर आप काम करोगे मन लगा के, अगर यूट्यूब पे काम करोगे तो 30 दिन में $100 से ज़्यादा भी आप अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप किस तरह से कंटेंट डालते हो, किस तरह से आपके चैनल पर व्यू आता है, तो इसी हिसाब से आपको डॉलर मिल जाता है, ठीक है ना। तो मेरा 30 दिन से $100 नहीं होता है, थोड़ा कम रहता है, क्योंकि मैं रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कमेंट की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये 2 ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे 3 नंबर का जो ऑप्शन है अभी तक बाकी है, कब तक होगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपको कहना चाहता हूँ, तो यहाँ पे इनका जो कमेंट है, इनका कमेंट है कि 2 ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है, अभी 3 नंबर का जो ऑप्शन है अभी अंडर रिव्यू में आपका चैनल गया है। तो यहाँ पे डिपेंड करता है आपका कंटेंट किस तरह से आप डालते हो, तो यूट्यूब के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने घंटे में मोनेटाइजेशन करके वो अंडर रिव्यू में उसको चेक करके देंगे। तो यहाँ पे सबका जो चैनल है उनका जो मोनेटाइजेशन अप्लाई करते हैं, यहाँ पे देखिए किसका 1 महीना लग सकता है, 15 दिन, किसका 20 दिन, तो बहुत सारा टाइमिंग लग सकता है यहाँ पे। तो आपके चैनल के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से कंटेंट डालते हो, फेस वीडियो डालते हो या शॉर्ट वीडियो डालते हो, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ पे मोनेटाइजेशन के अप्लाई का जो टाइमिंग है यहाँ पे लग जाता है। जो मेरा जो यूट्यूब चैनल है, मेरा जो 16 घंटे के अंदर कैसे हुआ, क्योंकि मेरा जो यूट्यूब चैनल है ये 2-3 साल हो चुका है मेरा यूट्यूब चैनल, मैं रोज़ वीडियो नहीं डालता था, मैं कभी कभी वीडियो यूट्यूब पर डाल देता था, तो इसके वजह से मेरा जो यूट्यूब चैनल है बहुत जल्दी मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो गया था, ठीक है। तो ये ऑप्शन गया, तो ये वाला कमेंट यहाँ पे, इस कमेंट का यहाँ पे आपको आंसर मिल गया होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट की बात कर, नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट कमेंट आ चुका है, देखिए मोनेटाइजेशन अप्लाई कंप्लीट। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, उसी शॉर्ट वीडियो में कमेंट आया है 3 स्टेप कितने टाइम लगता है। तो यहाँ पे देखिए 3 स्टेप में कितना टाइम लगता है, 3 स्टेप, यहाँ पे स्टेप 3 रहता है। तो फर्स्ट नंबर जल्दी से जैसे ही अप्लाई करते हो कंप्लीट होता है, 2 नंबर पे हमें गूगल एडसन, जो हमारा जो गूगल एडसन रहता है उसको एडसन हमें लिंक करना पड़ता है, यहाँ पे 10 आवर मेरा लग गया था। तो थर्ड ऑप्शन मेरा 6 आवर लग गया था, ठीक है।
तो यहाँ पे आपके चैनल के ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह से कंटेंट डालते हो। तो आपका चैनल में फेस वीडियो डालते हो या शॉर्ट वीडियो, कुछ भी आप फेस वीडियो अगर डालते हो तो आपका चैनल जल्दी मोनिटाइजेशन हो जाएगा। अगर आप किसी दूसरे का कंटेंट एडिटिंग करके डालते हो तो आपका मोनिटाइजेशन थोड़ा टाइमिंग लग सकता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट कमेंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे रियूज कंटेंट प्रॉब्लम, तो यहाँ पे रियूज कंटेंट प्रॉब्लम मैंने बताया था। यहाँ पे एक भाई ने कमेंट दिया है कि भाई चैनल मोनेटाइजेशन के स्टेप टू में इन प्रोग्रेस में है, दोनों कंप्लीट होने के बाद खुद मेरे को गूगल एडसन मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका जो यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है, जो तीनों ऑप्शन रहता है ये बराबर से कंप्लीट हो जाता है, होने के बाद आपको गूगल एडसन आपको गूगल को ओपन करके यहाँ पे सर्च करना रहता है। जो गूगल एडसन है उसमें जाने के बाद आपने जो भी यूट्यूब चैनल का जो भी आपने जो अप्लाई किया था मोनेटाइजेशन के टाइम में, जो भी मेल आईडी दिया था आपने एडसन में, उसी मेल आईडी को आपको देना है। देने के बाद आपको गूगल एडसन में आप लॉगिन कर सकते हो और वहाँ पे आपका जो आपका रहता है वहाँ पे और भी थोड़ा काम रहता है, जैसे पिन वगैरह हम अप्लाई करते हैं। अगर पिन वगैरह आपको अप्लाई करना है, अगर पता नहीं है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा किस तरह से आप एडसन का पिन अप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह से आपका गूगल एडसन आपको मिल जाएगा अगर आपका मोनेटाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। तो आपको मेल के द्वारा बता दिया जाता है कि आप जो भी मेल आईडी दिए हो उसी मेल आईडी में आपको बता दिया जाता है। तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो चुका है कंप्लीट और गूगल एडसन का आप लॉगिन भी कर सकते हो, तो ठीक है। तो कमेंट कंप्लीट हो गया, तो ये इस तरह से आप गूगल एडसन लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट कमेंट आते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई ने बहुत ही अच्छा कमेंट पूछा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने YouTube चैनल मोनेटाइजेशन कैसे करें 2023 में ये शॉर्ट वीडियो डाला था। भाई ने पूछा है चैनल मोनेटाइजेशन करने में क्या यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट चाहिए भाई। तो यहाँ पे दोस्त मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ पे जो चैनल में जब भी आपका जो मोनेटाइजेशन अप्लाई कंप्लीट हो जाता है, होने के बाद आपको गूगल एडसन में जब भी आप लॉगिन करते हो तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। आपको मैं बता देता हूँ, फर्स्ट होता है ड्राइविंग लाइसेंस, सेकेंड होता है पासपोर्ट, और थर्ड होता है आपका वोटर आईडी कार्ड होता है, और फोर्थ होता है आपका पैन कार्ड, ठीक है। ये चारों डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। इन्हीं चारों डॉक्यूमेंट आप दे दोगे तो आपका चारों डॉक्यूमेंट में एक ही डॉक्यूमेंट देना है, देने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा वेरिफिकेशन जो गूगल एडसन में, ठीक है ना। तो मेरा जो डॉक्यूमेंट मैंने किया दिया था, मैंने यहाँ पे मेरा जो ड्राइविंग लाइसेंस है मैं ड्राइविंग लाइसेंस दिया था, और सबके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा तो इसके वजह से आप प्रॉब्लम में पड़ सकते हो। तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट भी शायद सबके पास नहीं होगा, यहाँ पे देखिए वोटर आईडी कार्ड होगा और पैन कार्ड होगा, इन दोनों में से आप कुछ भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। और जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है और जिनके पास पासपोर्ट है, ये तो बहुत ही आसानी से इसको डॉक्यूमेंट एक ही डॉक्यूमेंट चाहिए, उसी एक ही डॉक्यूमेंट में दे देने के बाद आपका यूट्यूब चैनल जो गूगल एडसन पिन भी आप अप्लाई कर सकते हो, और आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहाँ पे रहता है ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था मोनेटाइजेशन अप्लाई कंप्लीट के बारे में कुछ जानकारी, कुछ बातें जो आपको नॉलेजफुल बात है, ये आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आज का वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इस तरह से टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।